वेलकम बैक टू 5 मिनट में बेड टाइम स्टोरी चैनल में, और आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक नई स्टोरी। स्टोरी का टाइटल है पीहू पीहू गाँ। आप सोच रहे होंगे ये क्या स्टोरी है भाई। स्टोरी कुछ ऐसी है, स्टोरी में मोर भी है और स्टोरी में कौवा भी है। चले अब हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पहले टाइटल तो बता दूं, टाइटल है मूर्ख कौवा फुलिश क्रो। एक बार एक कौवा एक जंगल में सरोवर के किनारे पानी पी रहा था, और पानी पी रहा था तभी उसकी नजर पड़ी मोरों पर। मोर बहुत ही सुंदर थे, उनके पंख बहुत ही सुंदर थे। उनको देखकर वो मोहित हो गया। जब वो मोर चले गए तो उनके जो पंख थे वो कौवे ने ले लिए, और उसने सोचा कितने सुंदर पंख हैं ये, अगर ये मेरी बॉडी में लग गए तो मैं कितना सुंदर लगूंगा ना, मैं मोरों की तरह लगूंगा। और उसने यही किया, उसने सारा अपना शरीर और मोर के पंखों से ढक लिया और बस वो सुंदर अपने आप को समझने लगा। अब वो गया अपने दोस्तों के पास। दोस्तों ने उसको देखकर कहा कि मित्र तुमने ये क्या कर डाला है अपने आप को, तुम पर सारे लोग हंसते हैं, तुम कौवे हो, तुमको ऐसे ही रहना चाहिए, तुम्हारा शरीर ऐसा ही बना है, उसकी अपनी बॉडी की अपनी अस्तित्व की रिस्पेक्ट करो। बट कौवे को तो ये बात पसंद ही नहीं आई। उसने कहा जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारा कौन सा मित्र हूँ, मैं हूँ एक सुंदर सा पीकॉक, देखो मेरे कितने सुंदर सुंदर पंख हैं। और उनकी बात ना सुन के वो चला गया। अब ये सारा कुछ जो नजारा था वो मोर देख रहे थे। मोरों ने कहा कि अब हम इसको सबक सिखा के ही रहेंगे। और उन्होंने देखा कि एक बार वो बैठा हुआ है तो सारे मोरों ने उसपे अटैक कर दिया, और अटैक करा उसके सारा सारा जो है पंख उतर गए और वो सिर्फ एक कौवा ही रह गया। अब बेचारे को बहुत ही लज्जा आई और वो वापिस अपने जो है फ्रेंड्स के पास गया। अब वो फ्रेंड्स कहते कौन हो तुम भाई, हमारे पास कैसे आ गए, हम तो बिल्कुल काले क्रूर भद्दे कौवे हैं, काव 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 करते हैं, तो तुम हमारे पास क्यों आए हो, क्या लेने आए हो, तुम तो बहुत सुंदर से मोर हो ना। अब उन कौवों ने उसको अपने साथ नहीं रखा, उसको बहिष्कार कर दिया उसका। और इधर से पंखों मोर ने भी उनको उसको पसंद नहीं करते थे। अब वो बीच का बीच में ही रह गया और बिल्कुल ही अलोन और दुखी रह गया। अब ये स्टोरी होती है यहीं पर फिनिश। इस स्टोरी का मतलब ही यही है, इसकी मैसेज ही यही है, हम जो हैं हमें उसी में ही हैप्पी रहना चाहिए, हमें कुदरत ने जैसा बनाया है, हमें ब्यूटी को हर किसी की पॉजिटिविटी को अप्रिशिएट करना चाहिए, बट ये नहीं कि बस कॉपी कैट ही बन जाएं, अपनी समझदारी से चलना चाहिए। चलिए अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और मैं आगे अगले हफ्ते आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर आऊंगी। टिल देन आप रहे हैप्पी खुश, और मैं कहूंगी बाय।